जय जय श्री राधे। आज नवरात्र पर्व की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत दिन से हमारी कुछ बहनों और बेटियों का एक आग्रह था कि गुरुदेव आप अपने व्यास मंच से नाम उपचार के माध्यम से विविध रोग शोक भय बाधा विपत्ति के लिए भगवान के विविध नामों को बताते हैं। क्या बेटियों के कैरियर के लिए, उनके जीवन में सुख समृद्धि के लिए, नारी जीवन के सुख शांति के लिए क्या हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई विधान है, अथवा किसी कारणवश यदि किसी बेटी अथवा बहन की आयु अधिक हो गई हो और अभी तक उसका विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो विवाह बाधा दूर करने के लिए हमारे शास्त्र में भागवत हो अथवा रामचरितमानस हो अथवा विभिन्न अन्य शास्त्रों में ऐसा कोई विधान हो जो अत्यधिक सरल हो, बोधगम्य हो और सुग्राही हो। तो निश्चित रूप से, वैसे तो मैं कई बार अपने व्यासपीठ से, भागवत के मंच से भी और रामचरित मानस के व्यासपीठ से भी कई बार मैं बता चुका हूँ, पर नाम उपचार चैनल के माध्यम से प्रथम बार बता रहा हूँ। श्री रामचरित मानस में बहुत सरल उपाय है, क्योंकि आजकल नवरात्र चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो एक पंथ दो काज, विवाह के जो बाधा है उस बाधा निवृत्ति का उपाय भी है, और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती क्योंकि संस्कृत है और संस्कृत भाषा से अभी भी जन साधारण लोग इतने परिचित नहीं है, कठिन है, तो इसलिए दुर्गा सप्तशती पाठ करने में जिन्हें कठिनाई का अनुभव हो उन लोगों के लिए भी और विवाह बाधा दूर करने के लिए भी दोनों का समाधान एक है, और वो है श्री रामचरित मानस में बालकांड में गौरी पूजन करते समय माता जानकी ने जिन चौपाइयों का आश्रय लिया उन चौपाइयों का गान हो। पहले तो मैं रामचरित मानस के विषय में बता दूं कि रामचरित मानस को साधारणतः हम लोग ये कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास इसके रचयिता हैं। ठीक है, भौतिक रूप से, लौकिक रूप से तो उन्हीं को हम रचयिता मानेंगे, किंतु आध्यात्मिक रूप से इसके मुख्य रचयिता हैं स्वयं भगवान शंकर, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय सिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस, रचि महेश, भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने इसकी रचना की और उचित समय पाकर माता भगवती को अपने मुखारविंद से इस कथा को श्रवण कराया और गोस्वामी तुलसीदास जी को बोध कराया और उन्होंने इसको लिखा। अब ये मानस है क्या, इसके विषय में भी वर्णन है कि कली बिलो की जग हित हर गेर जा, सावर मंत्र जाल जिन्ह सेर जा। कली विलो की जग, संपूर्ण जगत में कली के महान कष्टों को देखते हुए, कली के भयानक रौद्र रूप को देखते हुए स्वयं जग हित हर गिरिजा, भगवान शंकर ने जगत के हित के लिए, माता पार्वती और भगवान शंकर ने सावर मंत्र जाल जिन सृजा, ये सावर मंत्र जाल, ये सिद्ध मंत्रों का जाल उन्होंने सृजन किया ताकि जन जन का कल्याण हो सके। तो ये रामचरित मानस के चौपाइयाँ सुनने में आपको लगेंगे कि ये गवई भाषा में है, अवधी में है और सरल हिंदी भाषा में है, किंतु ये जितने सरल प्रतीत होते हैं उतने ही गंभीर होते हैं और जन जन के लिए बहुत बोधगम्य भी है। तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा, आप लोग नोट कर लीजिए, बालकांड में, रामचरित मानस के बालकांड में दोहा नंबर 234 के नीचे पांचवें नंबर के चौपाई से मैं एक दो चौपाई गुनगुना देता हूँ, यहाँ से शुभारंभ करके और 236 नंबर के सोरठा तक आपको प्रतिदिन पाठ करना है। प्रारंभ कहाँ से करेंगे, 234 नंबर दोहे के ठीक नीचे पांचवें नंबर के चौपाई को मैं गुनगुना देता हूँ। जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी। इसके बाद 235 और फिर कुछ चौपाइयां, फिर अंत में सोरठा 236 नंबर का। जानि गौरी अनुकूल सियहि हरष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। यहां तक। अब प्रश्न उठता है कि गुरुदेव पाठ कैसे करें। देखो, एक आचमनी पात्र रख लीजिए, आसन भी चाहिए, जैसे मैं बैठा हूँ, आलती पालती मार के बैठी है। और सबसे पहले आचमनी से जल हाथ में लीजिए, तीन बार ओम केशवाय नमो, ओम नारायणाय नमो, ओम माधवाय नमो, और इसको पी लीजिए। फिर ओम गोविंदाय नमो बोल के हाथ को धो लीजिए। इतना हो गया। उसके बाद पुनः जल लीजिए। यदि मंत्र आता है पवित्रीकरण का तब तो बोलिए, नहीं आता है तो केवल ओम पुंडरीकाक्षाय नमः ऐसे जल छिड़क दीजिए, ओम पुंडरीकाक्षाय नमो, ओम पुंडरीकाक्षाय नमो, ओम पुंडरीकाक्षाय नमो। वैसे तो मंत्र है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवय स्मरित पुंडरीकाक्षम स वायभ्यंतर शुचि। किंतु साधारणतः तो ये हम ब्राह्मणों के लिए और कर्मकांडियों के लिए ये सब तामझाम है, पर जो घर गृहस्थी में हमारी बहू बेटियां हैं उनको ये सब तंत्र मंत्र से दूर रहना चाहिए। साधारण रूप से आप केवल मुँह से नाम बोल कर करें। और ऐसे आसन शुद्धि का भी मंत्र है, थोड़ा सा एक हाथ में पुष्प ले लीजिए, उसमें चंदन लगा के और थोड़ा सा जल लेकर उस आसन के नीचे रख दीजिए, और ऐसे दोनों हाथ से धरती माता को ऐसे प्रणाम कर लीजिए। उसका भी वैसे तो उसका भी मंत्र है, ओम पृथ्वी तो आद्रता लोगा देवी तम विष्णु जय तम जो धारित पवित्रम गुरु जासनम, ये सब है, पर यह सब आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऐसे प्रणाम कर लीजिए और प्रणाम करके दसों दिशाओं में चुटकी बजा दीजिए। हम लोग जब कोई साधना करने बैठते हैं तो अति सूक्ष्म वायु के रूप में साधना में भंग करने के लिए कुछ ऐसी हवाएं रहती हैं जो बाधा डालती हैं, साधना में कोई बाधा ना पड़े। तो उसके लिए ओम मह अस्त्राय फट, जैसे अगर मैं इस समय पूरब में हूँ तो इस प्रकार पूरब में, उसके बाद फिर पूरब के बाद फिर हम लोग चलेंगे अग्निकोण की तरफ, फिर अग्निकोण में ओम महस्त्राय फट, 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 फिर ओम महस्त्राय फट, ओम महस्त्राय फट, चारों तरफ आठ दिशाएं और ऊर्ध्व और अध, इस प्रकार दसों दिशाओं में ओम मह अस्त्राय फट बोल के ऐसे ताली बजा दीजिए। उसके बाद अब आप रामचरित मानस को सामने गिटका पर ऐसे उस पर रख लीजिए और आराम से पाठ शुरू कीजिए। एक विशेष बात, ये तो हुई साधारण, हमारी जितने भी बहन बेटियां हैं मेरे हिसाब से 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 10वें वर्ष में प्रवेश करें तो हर बेटी को ये पाठ करना चाहिए। इससे न केवल उसका कैरियर, उसके आगामी आने वाला संपूर्ण जीवन सुखमय होगा और सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। स्वयं माता जानकी ने किया, उन्हें करने की आवश्यकता क्या थी, पर जगत को लोक शिक्षा कर देने के लिए, जगत को बताने के लिए माता जानकी ने स्वयं ये आचरण करके दिखाया कि देखो मैं भगवान श्री राम की अर्धांगिनी होकर भी मैं जगत के कल्याण के लिए स्वयं करके बता रही हूँ। तो जगत की बेटियाँ माता जानकी से तो श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए उन्हें ये अवश्य करना चाहिए अपने कल्याण के लिए। आप कितने भी बड़े आईएएस बने, आईपीएस बने, आप कोई भी बैंक अधिकारी बने, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बेटियाँ कितने भी अंतरिक्ष में उड़ें, पर यह सत्य है कि जीवन में कभी ना कभी कोई जीवन साथी मिलता है। अब यदि वो जीवन साथी कोई शराबी हो, कोई जुआरी हो, कोई कबाबी हो, कोई चरित्रहीन हो, तो आपका जीवन कितना नरकमय हो जाएगा। इसके पाठ से माँ भगवती सर्वथा आपके अनुकूल और चरित्रवान और प्रत्येक प्रकार से जो आपके स्वभाव के साथ अनुकूल हो ऐसा जीवन साथी आपके जीवन में भेजती है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर। हाँ,
इनमें से कुछ बहनें और कुछ बेटियां ऐसी भी होंगी जिनकी आयु बहुत अधिक हो गई हो, जैसे 30 वर्ष, 35 वर्ष अथवा 40 वर्ष, और किसी कारणवश उनका विवाह नहीं हो रहा हो, तो उन बेटियों को क्या करना चाहिए? तो उन बेटियों को भी यही पाठ करना चाहिए, पर इसमें छोटा सा सुधार करना चाहिए। साधारणतः बेटियों को केवल एक बार, पर उन बेटियों को 41 दिन के लिए संकल्प लेकर इस पाठ को पूरा 9 बार करना चाहिए। जैसे नवरात्र के हिसाब से माँ भगवती के 9 स्वरूप हैं, तो 9 स्वरूप के लिए 9 बार एक बार पाठ, जैसे मैंने 234 से लेकर 236 नंबर तक एक बार, ऐसे फिर दोबारा 2 बार, 3 बार, ऐसे करके 9 बार पाठ करेंगे आप। और यदि हो सके तो एक माला, एक भागवती मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमो। प्रायः सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं इसके कमेंट में विवरण जहाँ लिखे जाते हैं वहाँ इस मंत्र को मैं लिख दूंगा, वहाँ से नोट कर लें, मैं विधि भी लिख दूंगा। तो आप कीजिए, मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे इस नवरात्र के महान पर्व पर माँ भगवती आपके जीवन के रोग शोक भय दुख व्याधि आपके जीवन से कोसों दूर करें और घर घर में हरि भक्ति की स्थापना करें और लक्ष्मी